तो जेडी काइट क्लब वर्सेस स्पीड काइट क्लब क्वार्टर फाइनल का मुकाबला शुरू हो गया। पहला क्वार्टर फाइनल आ गया स्पोर्टिंग ऑल इंडिया अधिक काइट टूर्नामेंट में। चलिए पेज की तरफ चलते हैं और पहला पेज शायद अनिल कन्ने आए हैं। अनिल कन्ने आए हैं पहला पेज जेडी काइट क्लब की तरफ से। चलिए तो चलते हैं पेज की तरफ और पेज देखते हैं। स्पीड काइट क्लब वर्सेज जेडी काइट क्लब के बीच में मुकाबला शुरू हो गया है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हो रहा है। जो जीतेगा वो फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। जेडी ऊपर से पेज कर रहा है लेफ्ट साइड पे पतंगा और राइट साइड पे पतंगा है स्पीड की। समीर पेज कर रहे हैं स्पीड की तरफ से और अनिल पेज कर रहे हैं जेडी की तरफ से। लेफ्ट साइड वाली पतंग है जेडी की, राइट साइड वाली पतंग है स्पीड के समीर की। अंदर की तरफ आते हुए जगह लेके समीर भाई और चेहरे की तरफ रखे हुए अनिल जेडी के मेंबर। चमका रहे पतंग को समीर भाई, तेज समीर भाई ने खींच दिया है बाहर और शानदार पेच काट दिया है स्पीड ने। और क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में स्कोर हो गया है 1-0। एक काट दिया है जेडी स्पीड काइट क्लब ने। जेडी काइट क्लब ये पेज कट गया, अनिल पेज कट गया। तो स्पीड काइट क्लब वर्सेज जेडी काइट क्लब 1-0 का स्कोर है। समीर भाई पेज कर रहे हैं स्पीड काइट क्लब तरफ से। चलिए पेज देखते हैं और पेज की तरफ चलते हैं। तो जेडी काइट क्लब वर्सेज स्पीड काइट क्लब, अनिल पेज कर रहे हैं जेडी काइट क्लब की तरफ से और समीर पेज कर रहे हैं स्पीड की तरफ से। 1-0 का स्कोर है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। अंदर की तरफ उतर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे पतंग जेडी की है, राइट साइड पे पतंग स्पीड की है। चमका रहे समीर भाई, चमका रहे हैं और झटकते हुए बाहर जा रहे हैं। और शानदार ही पेच हमारे अल समीर भाई ने काट दिया है। एक डाल गद्दा मार रहे थे जेडी के मेंबर अनिल। बहुत शानदार पेच समीर का, स्पीड का पूरा रास्ता साफ किया था भैया, काट दिया। स्पीड काइट क्लब वर्सेज जेडी काइट क्लब क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा है। जो जीतेगा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अभी तक स्पीड काइट क्लब दो पेचों से आगे है और जेडी काइट क्लब ये खड़ा हुआ है। शबाश पेच करेंगे जेडी काइट क्लब की तरफ से। चलिए तो स्पीड काइट क्लब वर्सेज जेडी काइट क्लब 2-0 का स्कोर है। दो काट दिया स्पीड काइट क्लब ने। लेफ्ट साइड पर जो पतंग है वो है जेडी की और राइट साइड पे जो पतंग है वो स्पीड की। शबाश पेच कर रहे हैं जेडी की तरफ से और समीर भाई पेच कर रहे हैं स्पीड की तरफ से। तेजी से अंदर की तरफ आते हुए जगह लेके लेफ्ट साइड से अब बाहर की तरफ जा रहे हैं जेडी के मेंबर शबाश और समीर। पतंग चमका रहे, सीधा मारा है गद्दा, जोरों पे रखे हुए हैं। शानदार पेच स्पीड काइट क्लब ने काट दिया है और स्कोर को कर दिया 3-0 का। तीन काट दिए समीर भाई ने, बहुत शानदार काइट क्लब वर्सेज स्पीड काइट क्लब। अनिल पेच करने आए हैं जेडी काइट क्लब की तरफ से और इधर से पेच कर रहे हैं समीर। तीन काट दिए समीर ने, 3-0 का स्कोर है। चलिए पेच की तरफ चलते हैं, पेच देखते हैं। देखिए दोस्तों ये पेच लड़ रहा है। राइट साइड पे जो पतंग है वो है जेडी की और लेफ्ट साइड पे जो पतंग है वो राइट साइड पे जो पतंग है वो है स्पीड की और लेफ्ट साइड पे जो पतंग है वो है जेडी की। अनिल पेच कर रहे हैं जेडी की तरफ से और स्पीड की तरफ से पेच कर रहे हैं समीर। 3-0 का स्कोर है। समीर भाई चमका रहे हैं, भारी समीर भाई ने खेल दिया है। जेडी ने काट दिया है ये पेच। समीर भाई पेच कट गए हैं और स्कोर को कर दिया है 3-1 का। बढ़िया पेच काट दिया क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। चलिए दोस्तों जेडी काइट क्लब वर्सेज स्पीड काइट क्लब 3-1 का स्कोर है। शबाश पेच करने हैं जेडी काइट क्लब की तरफ से और आलोक पेच कर रहे हैं स्पीड की तरफ से। चलिए पेच की तरफ चलते हैं और पेच देखते हैं। चलिए दोस्तों जेडी काइट क्लब वर्सेज स्पीड काइट क्लब क्वार्टर फाइनल का मुकाबला 3-1 का स्कोर है। तीन काट दिए हैं स्पीड ने, एक काटा है जेडी ने। शबाश पेच कर रहे हैं जेडी की तरफ से। राइट साइड लेफ्ट साइड से जो अंदर पतंग आ रही है और राइट साइड पे जो पतंग आ रही है वो है आलोक की स्पीड काइट क्लब के। चलिए अब आ रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी अंदर की तरफ रख के। याद रखिएगा लेफ्ट साइड पे जो पतंग है वो है जेडी की और राइट साइड पे जो पतंग है वो है स्पीड की। आलोक पेच कर रहे हैं स्पीड की तरफ से और जेडी की तरफ से शबाश पेच कर रहे हैं। अभी पेज सही नहीं हुआ है, जब नीचे ला के रखेंगे ऊपर वाले आलोक भाई तो पेज सही हो जाएगा।
चलिए पेस सही हो गया है। ताकत का पेज लड़ेगा, गद्दा मारेंगे। आलोक भाई नीचे करा रहे, शाबाश। तेज ऊंचा खींचा है शाबाश भाई ने, गद्दा मारा है, तेज गद्दा मारा है, तेज गद्दा मारा है। और शानदार पेज स्पीड काइट क्लब के आलोक ने काट दिया है और स्कोर को कर दिया है 4-1 का। शाबाश कटे हैं जेडी काइट क्लब के, शाबाश पेज कटे हैं। 200 स्पीड काइट क्लब वर्सेस जेडी काइट क्लब, 4-1 का स्कोर है। 4 काटे स्पीड ने और 1 काटा है जेडी ने। चलिए पेज की तरफ चलते हैं, पेज देखते हैं। ये 200 स्पीड काइट क्लब वर्सेस जेडी काइट क्लब, 4-1 का स्कोर है। आलोक भाई पेज कर रहे हैं ऊपर से, जो राइट साइड पर पतंग है, और लेफ्ट साइड पर जो पतंग है वो अनिल की है जेडी के। पेज सही हो गया है, अनिल ने खींचा बाहर की तरफ, गद्दा मार के जा रहा है आलोक भाई, तेज हाथों से गद्दा मारा आलोक भाई ने। और अनिल ये पेज कट गए हैं, जेडी ये पेज कट गया और स्कोर हो गया 5-1 का। जेडी काइट क्लब वर्सेस स्पीड काइट क्लब, 5-1 का स्कोर है। 5 कट गया है जेडी काइट क्लब और 5 काटे ही हैं स्पीड काइट क्लब में। आखिरी पेज करने आए हैं जेडी के शाबाश भाई। चलिए पेज कर, पेज की तरफ चलते हैं और इधर से पेज कर रहे हैं हमारे आलोक भाई। ये हैं आलोक भाई, चलिए पेज की तरफ चलते हैं, पेज देखते हैं। तो जेडी काइट क्लब वर्सेस स्पीड काइट क्लब, 5-1 का स्कोर है। 5 काट दिए स्पीड काइट क्लब ने और 1 काटा है जेडी काइट क्लब ने। शाबाश पेज कर रहे हैं जेडी काइट क्लब से तरफ से। राइट लेफ्ट साइड पर पतंग है और राइट साइड पर जो पतंग है वो है स्पीड की। आलोक पेज कर रहे हैं स्पीड की तरफ से। चलिए पेज काटा था आलोक भाई ने, नीचे ही बुलाया है शाबाश को। शाबाश भाई इससे पहले कारनामा कर चुके हैं, 1-5 काटने थे, 5 काट चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं आज ये कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सेम सिचुएशन वही है जो इनकी उस्ताद से गेम जो लड़ा था वही था। चलिए आलोक भाई ने गद्दा बनाया है, आलोक भाई ने तेज़ गद्दा बनाया, तेज़ गद्दा आलोक भाई ने बनाया, तेज़ गद्दा बनाया है और शानदार पेच काट दिया है स्पीड के आलोक भाई ने। और पहली टीम पहुंच गई है जो कि इस अधी ऑल इंडिया काइट अधी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंची है पहली टीम स्पीड। काट के आलोक भाई बहुत जल्दी गायब हो गए हैं। चलिए मुबारक हो स्पीड काइट क्लब को।